आई थिंक यहाँ पे पानी भंडार किया जाता होगा उस समय। अब जीने से उतरते हैं, नीचे चलते हैं। ये देखिए वो कुंड बना हुआ है जहाँ पे उतरने की भी सीढ़ियाँ कुछ हुआ करती थी, अब तो काफ़ी अभी भी है, नीचे उतर सकते हैं, बट नीचे उतरेंगे नहीं हम क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। उस वजह से अब चल रहे हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के लिए रास्ता इधर से भाई बता रहा था, मैंने पूछा अभी। सो वहाँ से पटेर बनी हुई है, चलते चलते कहते हैं ना कि घास, जब इंसान कहीं को चलते हैं तो उनके पैरों से घास दब दब के मर जाती है, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। सो ये रास्ता वैसा ही बना हुआ है जो हे गाइस वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो सो गाइस आज चलते हैं अब अंदर, आपको दिखाते हैं जागीरी महल, साजा महल और साथ में कर्ण महल, और जो यहाँ पे जौहर कुंड बना हुआ है वो भीमसेन राणा जी की छतरी। तो यहाँ पर अंदर आ गए, यहाँ से भी एक नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, तो पहले वही देख लेते हैं, चलते हैं। देखो यार यहाँ पर देखो क्या नज़ारा देखने के लिए है, अलग ही। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपीज़ का, और फॉरनर्स के लिए टिकट यहाँ पर 400 रुपीज़ की, और फोटोग्राफी के लिए 250 का आपको अलग से यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। पहले यहाँ चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या बना हुआ है। ये है कर्ण महल, तो चलते हैं सबसे पहले कर्ण महल। ये आप देख रहे हैं जो कर्ण महल बना हुआ है, यहीं से चढ़ जाते हैं। ये देखिए कितना पुराना ये लग रहा है, अराउंड मेरे अकॉर्डिंगली ये भी 8वीं या 9वीं शताब्दी में ही बना होगा। ये देखिए उस टाइम यहाँ पे कुंदे लगाए हुए हैं, देखिए लोहे के। अंदर चलते हैं, अंदर चल रहे हैं और अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये कमरे बने हैं अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे साइज के कमरे हैं मे बी, जिनमें वो रहा करते थे। देख सकते हैं आपको ये जेल लग रही है मेरे को, जो अंग्रेजी शासन के टाइम में जेल बना दी गई थी, क्योंकि इसी प्रकार के यहाँ पे गेट लगाए गए हैं, जो इंस्टॉलेशन लगा है बाद में किया गया है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये पार्टीशन भी बाद में किया गया है, ऐसा लग रहा है कि पार्टीशन बाद में किया गया, पहले पार्टीशन भी नहीं था, पूरा का पूरा एक ही था, उस वजह से मेरे को लग रहा है ये पूरा का पूरा महल एक ही रहा होगा, बट आज इसके पार्टीशन कर दिए गए थे। ये देखिए कर्ण महल का एक पार्ट ये भी है, जहाँ पर इस प्रकार से खम्भे बनाए गए हैं और खम्भों के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। अगर मैं आप लोगों को अंदर जाकर दिखाने का प्रयत्न करूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और ये देखो यार, ये है हमारे भारत वालों की सिंसियरिटी, आई लव यू, ये पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, ऐसे इसके ऊपर लिख करके इनको प्यार मिल रहा है सबको, बस प्यार मॉन्यूमेंट को सड़ा करके मिलता है। ऐसा तो लग रहा है मेरे को किसी को कोई भाव देती नहीं, यहाँ पे आके नाम लिख देते हैं, कितना सड़ा रखा है भाई। ये था कोई खुफिया रास्ता जिसमें से हम जाएंगे ना, कि एक यहाँ भी रास्ता बनाया गया है, यहाँ पर बड़े खुफिया खुफिया रास्ते हैं भाई। भाई वापस चलते हैं ऊपर, ये देखिए एक यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है। अब चल रहे हैं हम ऊपर, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको पूरा ग्वालियर शहर, उसी के जस्ट अप आपको मैं दिखा रहा हूँ जो भीमसेन राणा की छतरी और जौहर कुंड बना हुआ है, उसी के अगर आप राइट में देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको जागीरी महल, वहाँ पर चलेंगे कुछ देर बाद। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भीमसेन राणा की छतरी और जौहर कुंड बना हुआ था वो। अब चलते हैं यहाँ से नीचे उतर करके वापस। ये देखिए तोते भी यहाँ पर,
कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखेंगे अगर आप तो कर्ण मंदिर का बाहर का प्रांगण कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सामने चलते हैं, इधर आएंगे बाद में वापस लौटते वक्त। अब हम चल रहे हैं भीम सिंह राणा की छतरी और जौहर कुंड की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल आक्रमण करने आते थे तो राजपूत जो स्त्रियां होती थी, रानियां होती थी, और जितनी भी प्रजा में उनकी लेडीज हुआ करती थी, वो सब राजपूत वीरांगनाएं जौहर कर लिया करती थी। और उसके बाद में जो राजपूत शासक और जो सैनिक हुआ करते थे, वो सर पर केशरिया रंग का कपड़ा बांध कर जाते थे और वो युद्ध लड़ा करते थे। उसमें वो अपनी पूरी सामर्थ्य से लड़ा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक एक राजपूत उस समय 20-20 मुगलों के ऊपर भी भारी पड़ता था। ये आप देख सकते हैं फोर्ट पूरा कितना अलग तरीके का यहाँ पर लग रहा है। वैसे तो यार सामने देखेंगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर अब तो खंडर हो चुका है, इसकी साफ सफाई भी नहीं करते हैं। अब चल रहे हैं जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है किले के ऊपर, उसी के लगते लगते यहाँ पर इस प्रकार से एक रास्ता बनाया गया है। वहां से निकल के हम जा रहे हैं एक कोने पर, वहां पर भी कुछ रूम्स बने हुए हैं जो सैनिक हुआ करते थे, गार्ड पोस्ट वहां पर बनी हुई है। तो वहां पर चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या। ये स्टैंड है जहां पर मे बी तोप वोप रखी जाती होगी उस समय, जिससे कोई हम जा रहे हैं देखो उस जगह। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वहां जा रहा हूँ मैं भी, दिख रहा है आपको। तो वहां चलते हैं, तो वहां चल रहे हैं। रास्ता तो झाड़ियों से लबरेज है पूरा, और वहां भी ऊपर जाने का प्रयत्न करेंगे उस जगह, वहां पे ऊपर भी जाएंगे अभी। लेकिन पहले इधर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। पूरा दिन हो गया यार, मैं लेट निकला। और ये देखो कुआं बना हुआ है मे बी यार, हाँ लग तो मेरे को वही रहा है। ये देखिए कुआं बना हुआ है जिसको अब बंद कर दिया गया है इस प्रकार से। ये देख सकते हैं आप, दो कुएं यहाँ पर बनाए गए थे, या फिर ये वो हुआ करता था जहां पर तोप रखी जाती थी। ये देख सकते हैं आप पूरा ग्वालियर शहर। यहाँ पे तो यार बड़ा रिस्की है इधर तो आना, बट देखते हैं। वो कहते ना रिस्क में इश्क, रिस्क से इश्क है। नहीं नहीं क्या था यार डायलॉग, भूल गया हूँ मैं। रिस्क है तो इश्क है, ऐसे ही कुछ था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को जिसको भी याद है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और यहाँ पे भी, और देखो यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, वहां तो जाने का मेरा मन कर नहीं रहा है, तो बस यहाँ पर चलते हैं सीधे आगे। और आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और फिर ये देखो अजीब प्रकार की यहाँ पे झाड़ियां और कांटेदार झाड़ियां हैं। भाई साहब बड़े प्यार से जाना पड़ेगा यहाँ से, कांटे भी धड़ी भर के लगे हुए हैं, जो अगर एक प्रकार एक भी बार यहाँ पे चुभ गए ना, तो अगर ये चुभ जाए तो नानी याद दिला दें। इस प्रकार के हैं पूरे के पूरे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मे बी तोप का स्टैंड है जहाँ पर तोप लगाई जाती होगी, अगर यहाँ से फायर किया जाता होगा वहाँ दूर सेना के ऊपर। अब चल रहे हैं वहां पर, चलते हैं वहां पर। उस किले से यहाँ पर नीचे कूदना ही पड़ेगा या फिर उतरने का है। कूद ही जाते हैं भाई, कूद ही गए हैं भाई, क्योंकि ये अराउंड 3 फीट के आसपास का था। 3 फीट तो कूद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब चल रहे हैं इधर, यहाँ पे देखते हैं क्या है, फिर इसके यहाँ से रास्ते से चलेंगे उधर होते हुए। वैसे तो पूरा का पूरा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है पूरा का पूरा, ये देखेंगे आप। आई थिंक यहाँ पे पानी भंडार किया जाता होगा उस समय, ये देखें। अब जीने से उतरते हैं, नीचे चलते हैं और उधर चलते हैं भाई।
ये देखिए वो कुंड बना हुआ है जहाँ पे उतरने की भी सीढ़ियाँ कुछ हुआ करती थी, अब तो काफी अभी भी है, नीचे उतर सकते हैं बट नीचे उतरेंगे नहीं हम, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। उस वजह से अब चल रहे हैं वहाँ पर ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के लिए रास्ता इधर से भाई बता रहा था, मैंने पूछा अभी, सो वहाँ से पटेर बनी हुई है। चलते चलते कहते हैं ना कि घास, जब इंसान कहीं को चलते हैं तो उनके पैरों से घास दब दब के मर जाती है, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। सो ये रास्ता वैसा ही बना हुआ है, जो देखो यार कैसे जाना पड़ रहा है, पटेर सी बनी हुई है। चल रहे हैं अब हम इससे, और झाड़ियाँ हैं कांटेदार, सबसे बड़ी बात है कांटे वाली है, तो थोड़ा सबसे बड़ी बात है कांटे वाला रास्ता है, सो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अब आ गए हैं तो चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं और कहाँ इसको हम जाना का रास्ता हमको मिलेगा। आप इन्हीं पटेर को देखते देखते चलते रहिए। ऐसे झाड़ियों से निकल के हमें आना पड़ा इधर, और कैब भी निकलते निकलते बची है अभी। अब चढ़ते हैं यहाँ पर, रिस्की था यार, काफी रिस्की था भाई। अब चढ़ रहे हैं ऊपर और जाते हैं उधर महल की तरफ, यहाँ का भी नज़ारा आप देख लीजिए, यहाँ का भी नज़ारा आप देख लीजिए। पता नहीं कुछ लग गया यार, बड़ी चलिए अब जल्दी उधर जोहरकुंड के पास जाके मिलते हैं। अब पूरा देखे, पूरा सर्कल लेकर के मैं आ गया हूं जो भीमसेन राणा की छतरी है उसके पास में, और देखते हैं जाकर के यहाँ पर कैसा बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये हो गया काफ़ी लंबा। टिल देन प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोस के फर्द नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।